हेलो ऑल एंड वेलकम टू रिकॉग्निशन आईएएस। हम लोग देख रहे हैं हमारी पास्ट ईयर क्वेश्चन की सीरीज। इस सीरीज में हम लोग फिलहाल डिस्कस कर रहे हैं इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन। इस इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन में हम लोगों ने काफी कुछ देख रखा है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ने से पहले हमारे कुछ कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं जिनको कि आप लोग यूज कर सकते हैं अपने क्वेरी करने के लिए। इसके अलावा हमारे कुछ कोर्सेज भी अवेलेबल हैं जो प्रीलिम्स स्पेशल एज वेल एज मेंस स्पेशल हैं। इन दोनों को आप लोग अपने यूपीएससी के प्रिपरेशन में मदद लेने के लिए ले सकते हैं। इसके अलावा यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब अस फॉर टेस्ट सीरीज एंड ये सारे टेस्ट सीरीज अवेलेबल हैं। तो हम लोगों ने इकोनॉमिक्स को इन पांच सेक्शन में डिवाइड किया था और इसी पांच सेक्शन की सहायता से हम लोग डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हम लोगों ने टर्शरी सेक्टर डिस्कस कर लिया था, इंडस्ट्री कर लिया था, एग्रीकल्चर कर लिया था और हम लोग देख रहे हैं अपना मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन जो कि पॉवर्टी प्लानिंग फाइनेंस इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट से रिलेटेड है। यहां पर हम लोगों ने ऑलरेडी 25-27 क्वेश्चंस देख रखे थे। उसी 27 क्वेश्चन के बाद हम लोग जरा आगे कंटिन्यू करते हैं। आज हमें काफी कुछ देखने को मिलेगा जो कि हमारे प्रेजेंट केस के लिए भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं, तो फटाफट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला देखिए क्वेश्चन यहां पर पूछा गया है 28 नंबर क्वेश्चन में कि ड्यूरिंग द 5 ईयर प्लान वॉज द इमरजेंसी क्लेम्ड न्यू इलेक्शन टुक प्लेस। तो जैसे क्या है कि आपको पता है कि 1975-78 के दौरान में काफी कंडीशन खराब हो रखी थी, इमरजेंसी कंडीशन निकल करके आई थी, दो दो बार इमरजेंसी लगा दी गई थी। तो ये आपको सीधे सीधे मिलेगा आपको 5th 5 ईयर प्लान में। इस तरीके के क्वेश्चन 2009-2010 के दौरान में बहुत ज्यादा पूछे गए थे, इनफैक्ट 2011 तक पूछे गए थे, लेकिन उसके बाद से इस तरह के क्वेश्चन अपना चार्म खो दिए क्योंकि प्लानिंग कमीशन भी अब खत्म कर दी गई है और लगातार एक रिडंडेंसी बन गई है। तो हमारे लिए इस तरीके के क्वेश्चन पे अब ध्यान देना बिल्कुल भी यूजफुल नहीं होगा। तो स्मार्टनेस यही कहता है कि इस तरीके के क्वेश्चन को आप स्किप कर सकते हैं। यहां पर केवल और केवल अधिक से अधिक आप ये याद रख सकते हैं कि कौन सी प्लान किस ईयर में लॉन्च की गई है और उस प्लान का ऑब्जेक्टिव क्या था, बस यही इतना दो चीज आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 29 पे आ जाते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग इंडियन प्लानिंग। इंडियन प्लानिंग के दौरान में क्या कुछ है। सेकेंड 5 ईयर प्लान इम्फसाइज ऑन एस्टैब्लिशिंग ऑफ हैवी इंडस्ट्री। बिल्कुल करेक्ट है, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ हैवी इंडस्ट्री बिल्कुल किया गया था। देखिए इससे रिलेटेड क्वेश्चन अभी रिसेंट में पूछे भी गए थे एग्जाम में, तो इस वजह से आपको यह ध्यान में रखना है इसका ऑब्जेक्टिव, जैसा कि मैंने अभी आप लोगों को बताया। दूसरा स्टेटमेंट बोलता है कि थर्ड 5 ईयर प्लान जो है वो कंसेप्ट ऑफ इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पे बात किया, नहीं, ये ध्यान दिया गया था एग्रीकल्चर से रिलेटेड आइटम पे। तो एग्रीकल्चर से रिलेटेड आइटम रहेगा तो सीधी सी बात है ये हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा, हमारा ऑप्शन केवल और केवल 1 करेक्ट हो जाएगा, ओनली 1 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 कहता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग ब्रिंग्स आउट द पब्लिकेशन ऑफ एनर्जी स्टैट्स फ्रॉम टाइम टू टाइम। देखिए हमारे यहां पर जितना भी फाइनेंशियल डेटा होता है या फिर हमारे यहां जितना भी गवर्नमेंट सर्वे कर रही होती है, वो सारे सर्वे मैक्सिमम जो किए जा रहे होते हैं वो सीएसओ के द्वारा किए जा रहे होते हैं। सीएसओ एक डिपार्टमेंट है हमारे मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन की। तो इस वजह से ये ध्यान में रखना है हमें कि ये जो कह लीजिए स्टैटिस्टिक्स निकाली जाती है वो सीएसओ के द्वारा निकाली जाती है। क्वेश्चन नंबर 31 पे अगर आए, इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडियाज इकोनॉमी विच वन ऑफ द फॉलोइंग वॉज द अर्लीएस्ट इवेंट टू टेक प्लेस। सबसे पहले क्या हुई थी, इंपॉर्टेंट है आपके लिए क्योंकि कई सारी घटनाएं रिसेंट में इन्हीं इवेंट से रिलेटेड हुई है। जैसे सबसे पहले बोला गया है इंश्योरेंस कंपनी को नेशनलाइज कर जाना, तो ये किया गया था 1955-56 के दौरान में। दूसरा है नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक, ये किया गया था 1955 में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का। बैंक के बारे में हम लोग नहीं देख रहे हैं, हम लोग स्टेट बैंक के बारे में बात कर रहे हैं। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट ये आई थी 1949 में, काफी ज्यादा ये न्यूज में रही है, इससे रिलेटेड चीजें आप लोग जरा देख करके जाइएगा क्या कुछ है। इनफैक्ट बैंकिंग प्रॉब्लम एंड ऑल दैट ये सारा कुछ मैंने डिस्कस कर ही रखा है अपने प्रीलिम्स लॉकडाउन सीरीज इकोनॉमिक्स में, रिवाइज कर लीजिएगा उसको, क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ज्यादा है। नेक्स्ट जो है इंट्रोडक्शन ऑफ फर्स्ट 5 ईयर प्लान, ये किया गया था 1951 में। तो आप देख लीजिए सबसे पहले कौन आया, सबसे पहले 1949 वाला आ रहा है, यानी इनएक्टमेंट ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट ये हो जाएगी। आगे क्वेश्चन के बारे में बात करें तो क्वेश्चन नंबर 32 आती है। क्वेश्चन नंबर 32 इज रिलेटेड विद SEZ। 2010 का क्वेश्चन है, 2005 का एक्ट है, करंट अफेयर्स बन गया इनके लिए। हमारे लिए हालांकि उतना कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन बेसिक से इसलिए जान लेते हैं क्या कुछ है। यहां पर कहता है कि अल्टीमेटली इसका कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट और बोला गया है कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, काम क्या है इसका। तो SEZ जो होता है आपको पता है SEZ का मतलब होता है स्पेशल इकोनॉमिक जोन। दिस इज स्पेशल इकोनॉमिक जोन। होता क्या है यहां पर,
ये बेसिकली एक्सपोर्ट प्रमोशन के लिए होता है और जितने भी पोर्ट एरियाज होते हैं उन सभी जगहों पर लगाया जाता है। ये बेसिकली एक ऐसा एरिया होता है जहां पर ऑफशोर मार्केट होती है, मतलब यहां पर मार्केट ऐसी की जा रही होती है जिसमें टैक्स बेनिफिट दिया जा रहा होता है, तो ये बेसिकली एसईजेड हो जाती है। फोकस किस पे किया जाता है? फोकस गुड्स पे भी किया जाता है और साथ ही साथ सर्विसेज पे भी किया जाता है। ये बेसिकली फॉरेन मार्केट को और इंपोर्ट एक्सपोर्ट को और बढ़िया बनाने के लिए किया गया था। फटाफट देख लेते हैं स्टेटमेंट क्या है। डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज बिल्कुल किया जाएगा, प्रमोशन ऑफ इन्वेस्टमेंट फ्रॉम फॉरेन सोर्सेज बिल्कुल किया जाएगा, प्रमोशन ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज ओनली गलत हो गया, क्योंकि देखिए गुड्स और सर्विसेज दोनों है, यानी इसका आंसर केवल और केवल 1 और 2 हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 33 पे आ जाते हैं। कहता है अ ग्रेट डील ऑफ एफडीआई टू इंडिया कम फ्रॉम मॉरिशस। हमें पता है कि मॉरिशस और इस तरीके की कुछ और भी छोटी छोटी आइलैंड नेशंस है, जैसे सिशेल्स हो गई या फिर आप कह सकते हैं सिंगापुर हो गई, ये सारी की सारी जो नेशंस है ये टैक्स हेवन कंट्रीज इनको बोला जाता है। टैक्स हेवन इसलिए बोला जाता है क्योंकि यहां पर जो टैक्स होती है, चाहे वो कैपिटल गेन पे हो चाहे कुछ भी टैक्स हो, ये टैक्स जो होता है बहुत ही कम लगता है, वेरी स्मॉल टैक्स आपको देना पड़ता है, इसलिए इन आइलैंड कंट्रीज को बोलते हैं टैक्स हेवन कंट्री। क्वेश्चन कहता है कि जो एफडीआई आ रही है वो मैक्सिमम मॉरिशस से आ रही है, न कि मेजर और मैच्योर इकोनॉमी जैसे यूके और फ्रांस है, ऐसा क्यों? सीधी सी बात है, जो भी कंपनी अपने आप को ट्रेड कराना चाहती है वो ट्रेड कराना चाहेगी इंडिया में किसी ऐसे नेशन के साथ में मिल करके जो टैक्स हेवन हो, क्योंकि इनका टैक्स बचे। अब इंडिया में अगर ये ट्रेड करने आते हैं तो इंडिया में आएंगे तो यहां पर भी टैक्स लिया जा सकता है और साथ में इस कंट्री में भी टैक्स लिया जा सकता है। दो दो जगह पर अगर ये टैक्स दे रहे होंगे सीधी सी बात है ये इशू रेस करेंगे तो होगा क्या, ये सारी कंट्रीज और इंडिया आपस में एक प्लेटफॉर्म पे आएगा और प्लेटफॉर्म पे आने के बाद एक टैक्स अवॉइडेंस स्कीम लेकर के आएंगे जिसको बोला जाता है DTAA, डबल टैक्स अवॉइडेंस एक्ट। इस डबल टैक्स अवॉइडेंस एक्ट के तहत हो ये जाएगा कि जो भी इसकी ओरिजिन स्टेट है वहां पर हमें टैक्स पे करना रहेगा और यहां पर टैक्स ऑलरेडी कम है, तो इस वजह से मॉरिशस वाले जो लोग रहेंगे वो, मतलब कि जो भी फॉरेन कंपनीज है वो मॉरिशस में जाकर के अपना कोई भी एक शेल कंपनी खोल लेगी, छोटी सी कंपनी, सब्सिडियरी कंपनी खोल लेगी और इस तरीके से वो इंडिया के साथ में ट्रेड करेगी और मैक्सिमम बेनिफिट कमाएगी और टैक्स की चोरी कर रहे होंगे। तो ये वो तरीके होते हैं जिसके थ्रू ये लोग अपनी पैसे बना रहे होते हैं। तो यहां पर देख लेते हैं ऑप्शन क्या दिया हुआ है। ऑप्शन ए बोलता है कि इंडिया हैज प्रेफरेंस फॉर सर्टेन कंट्री। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, एफडीआई के लिए कोई सर्टेन कंट्री हम नहीं ले सकते हैं, क्योंकि मोस्ट फेवर्ड नेशन का जो फंडा होता है उस WTO के नॉर्म के थ्रू आप ये बोल सकते हैं कि किसी कंट्री को आप एक्स्ट्रा फेवर नहीं दे सकते हैं। ऑप्शन बी बोलता है इट हैज डबल टैक्स अवॉइडेंस एग्रीमेंट विद मॉरिशस। बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है, यहां पर आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। बाकी स्टेटमेंट भी देख लेते हैं, हो सकता है कि कुछ और भी करेक्ट हो। तो मोस्ट सिटीजन ऑफ मॉरिशस हैव एथनिक डाइवर्सिटी विद इंडिया एंड सो दे फील सिक्योरिटी इन्वेस्ट इन इंडिया। बिजनेस में किसी प्रकार का कोई रिलेशन नहीं होता है, बिजनेस इज बिजनेस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर इसी में डी ऑप्शन देखेंगे तो इम्पेंडिंग डेंजर्स ऑफ ग्लोबल इकोनॉमिक चेंज प्रॉम्प्ट मॉरिशस टू मेक ह्यूज इन्वेस्टमेंट इन इंडिया। ऐसा कुछ भी नहीं है, तो इस तरीके से हम लोग ऑप्शन देख लेंगे कि बी हो जाएगा ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 34 पे आते हैं। यहां पर बोलता है न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी से रिलेटेड कुछ कुछ यहां पर चीज की गई एंड दिस इज समथिंग रिलेटेड विद साइंस एंड टेक, और ये पता नहीं कहां से यहां पर आ गया है। हम लोग इसको साइंस एंड टेक में डिस्कस करेंगे, इसको फिलहाल स्किप करते हैं यहां से, क्योंकि इसके बारे में मैंने आप लोग को बताया भी नहीं है, अटेम्प्ट करना भी थोड़ा सा यहां पर मुश्किल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 पे आते हैं। इंक्लूसिव ग्रोथ एज इनशिएटेड इन 11th फाइव ईयर प्लान डज नॉट इंक्लूड, क्या चीज इंक्लूड नहीं करता है? इवन 11th फाइव ईयर प्लान में था इंक्लूसिव ग्रोथ साथ में सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब यहां पर देखेंगे क्या है, रिडक्शन इन पॉवर्टी बिल्कुल था, एक्सटेंशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी ये भी था, रिडक्शन ऑफ जेंडर इनइक्वालिटी ये भी था, स्ट्रेंथनिंग ऑफ कैपिटल मार्केट ये नहीं था, ये नहीं है, इसलिए ऑप्शन हो जाएगा सी। अगेन देखिए आप देख सकते हैं केवल और केवल ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है, तो अगेन जब भी हमें आगे बढ़ना होगा तो हमें केवल और केवल प्लान, प्लान का ईयर और प्लान का ऑब्जेक्टिव, केवल इतना ही हमें ध्यान में रखना है बस। क्वेश्चन नंबर 36 पे अगर आए, विच ऑफ हु ऑफ द फॉलोइंग शैल कॉज एवरी रिकमेंडेशन मेड बाई फाइनेंस कमीशन टू बी लेड बिफोर ईच हाउस। ये करता है देखिए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया,
और उसके बारे में ज्यादा डिटेल हम लोग पढ़ेंगे जब पॉलिटी के डिस्कशन कर रहे होंगे, वहां पर मैं आपको बताऊंगा कि फाइनेंस कमीशन क्या होती है, क्वासी जुडिशियल बॉडी या कैसी बॉडी है, कौन फॉर्म करता है, काम क्या होता है और कैसे इनकी क्वालिफिकेशन और ऑल दैट डिस्कस की जा रही होती है। ये सारा कुछ हम लोग डिस्कस करेंगे अपने पॉलिटी के डिस्कशन में, तो फिलहाल अभी इसको यहीं पर रोकते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 कहता है कि जो यूनियन बजट होता है उसको रिस्पॉन्सिबल मतलब बनाता कौन है प्रेजेंटेशन और प्रिपरेशन के लिए। तो आपको जब देखेंगे सरफेशियली तो आप बताएंगे कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस करती है, लेकिन यहां तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से काम नहीं चलेगा। यहां पर आपको पता होना चाहिए कि डिपार्टमेंट कौन सा है। तो डिपार्टमेंट जो होती है वो होती है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, चाहे वो बजट की बात करिए चाहे वो आप इकोनॉमिक सर्वे की बात करिए, दोनों ही काम यही कर रही होती है। तो बजट एज वेल एज इकोनॉमिक सर्वे, दोनों का काम इकोनॉमिक अफेयर का ही होता है। क्वेश्चन नंबर 38 पे आते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग एक्शन बाय द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के दौरान में बात करते हैं। यहां पर क्वेश्चन में विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शन कैन बी कंसीडर्ड एट फिजिकल स्टिमुलस, काफी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं क्वेश्चन बोलूंगा, क्योंकि अभी आप लोगों ने देखा होगा आत्मनिर्भर भारत एक स्कीम निकली हुई है। इस आत्मनिर्भर भारत में भी आखिर में क्या किया गया है, इसमें एक फिजिकल स्टिमुलस ही प्रोवाइड किया गया है, और इस वजह से ये क्वेश्चन काफी ज्यादा प्रोबेबल है आपके एग्जाम में आने के लिए। इनफैक्ट एक और क्वेश्चन है, हम लोग अभी नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे, दैट इज ऑल्सो रिलेटेड विद फिजिकल स्टिमुलस। तो देखेंगे फिजिकल स्टिमुलस का मतलब क्या है। फिजिकल स्टिमुलस का मतलब अगर बताएं तो क्या चीज है, जहां पर आपको मार्केट में ट्रेड या फिर कह दीजिए मार्केट में इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन को बढ़ाना है किसी भी तरीके से। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा आत्मनिर्भर भारत में ही लोन्स प्रोवाइड करना शुरू कर दिया गया है, मजदूरों के लिए मनरेगा स्टार्ट कर दिया गया है, इसी तरीके से जो भी सफाई कर्मचारी या कोई भी बिजनेस अगर कोई कर रहा है तो उसको जिस चीज की रिक्वायरमेंट है उस रिक्वायरमेंट को बेसिकली दे दिया जा रहा है ताकि इकोनॉमिक्स रन करे, जो साइकिल होती है वो रन करना शुरू कर दे। ऑप्शन यहां पर देखें तो देखा पहला ऑप्शन बोलता है कि कटिंग द टैक्स रेट, बिल्कुल करेक्ट है, टैक्स रेट को कट करेंगे तभी आपका ट्रेड इंक्रीज करेगा। दूसरा है इंक्रीजिंग द गवर्नमेंट स्पेंडिंग, करना पड़ेगा बिल्कुल, तभी तो आपका जो होता है इकोनॉमिक्स रन करेगा, पैसा जब तक आएगा नहीं तब तक वो साइकिल ब्रेक नहीं होगी। तीसरा है अबॉलिशिंग द सब्सिडीज इन द कंट्रोल ऑफ इकोनॉमिक रिसेशन, गलत है। देखिए आपको सब्सिडी यहां पर अबॉलिश नहीं करना पड़ेगा, आपको सब्सिडीज बढ़ानी पड़ेंगी क्योंकि मार्केट में ऑलरेडी पैसा नहीं है, और आप इस तरीके की अगर सब्सिडीज को अबॉलिश कर देंगे तो फिर नुकसान हो जाएगा। तो इस तरीके से ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, वन एंड टू ओनली करेक्ट हो जाएगा। आगे अगर बात करें फिर देखिए फाइव ईयर प्लान से रिलेटेड एक क्वेश्चन आ गया है, जहां पर बोलता है अ शिफ्ट इन पैटर्न ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन विथ लोअर इंफेसाइज ऑन हेवी इंडस्ट्री एंड मोर ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर बिगिंस इन। क्वेश्चन कहता है कि आखिर में इंडस्ट्री से हम लोग कब इंफ्रास्ट्रक्चर पर मूव कब कर गए हैं। तो यहां पर देखिए अगेन ये जो ऑप्शन है वो एट्थ प्लान का है, ये भी हमारे लिए कह सकते हैं कि कुछ खास इंपॉर्टेंट अब नहीं रह गया है तो इसको आप स्किप कर सकते हैं, क्योंकि ये उस समय का स्कीम है, उस समय का प्लान है, आराम से आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 कहता है कि नेशनल इन्वेस्टमेंट फंड किस काम का है। तो पहले नेशनल इन्वेस्टमेंट फंड के बारे में आप लोग जान लीजिए, हाईली इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये भी करंट अफेयर्स में रही है इस बार, तो इस वजह से ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी में चली आती है, यहां पर इससे क्वेश्चन आने के चांसेस इस बार के प्रीलिम्स में है। नेशनल इन्वेस्टमेंट फंड ये गवर्नमेंट ने बनाया था और ये कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में नहीं आती है, कंसोलिडेटेड फंड में ये नहीं आती है, ये आती है पब्लिक अकाउंट में, पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया। काम क्या होता है पहले तो ये देख लेते हैं, पैसा कहां से आता है। पैसा आता है इसमें डिस इन्वेस्टमेंट से, डिस इन्वेस्टमेंट किया जा रहा होता है उसके थ्रू जो भी पैसा रेज किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा वो सारा पैसा यहां पर रखा जाता है। अब इस पैसे का यूज कहां किया जाएगा, इस पैसे का यूज किया जाता है एजुकेशन में, इसके अलावा बाकी के और भी जो सोशल सेक्टर्स हैं जैसे हेल्थ वगैरह में, और साथ में इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट में किया जा रहा होता है। तो ये तरीके होते हैं जहां पर हम इस तरीके से पैसा रेज कर रहे होते हैं। इसकी मॉनिटरिंग करने के लिए एक्सपर्ट को रखा जाता है, यहां पर एक्सपर्ट्स हो जाते हैं और ये गवर्नमेंट के कंट्रोल में पूरी तरीके से आप कह सकते हैं कि नहीं रहता है। यहां पर अगर देखेंगे ऑप्शंस में तो देखिए द असेट इन नेशनल इन्वेस्टमेंट फंड आर मैनेज बाई यूनियन फाइनेंस मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, यूनियन फाइनेंस मिनिस्ट्री के हाथ में नहीं रहती है। दूसरा है नेशनल इन्वेस्टमेंट फंड इज टू बी मेंटेन बाई कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, ये भी गलत हो गया क्योंकि पब्लिक अकाउंट में जा रहा है। सर्टेन असेट मैनेजमेंट कंपनीज आर अपॉइंटेड एज फंड मैनेजर, बिल्कुल करेक्ट है, देखिए एक्सपर्ट के रूप में रखा जा रहा है।
अ सर्टेन प्रोपोर्शन ऑफ एनुअल इनकम इज यूज्ड फॉर फाइनेंसिंग सेलेक्ट सोशल सेक्टर, करेक्ट है। देखिए एजुकेशन, हेल्थ, ये सब सोशल सेक्टर है, सिलेक्टेड सोशल सेक्टर है। तो इस तरीके से ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा, 3 और 4 ओनली। क्वेश्चन नंबर 41 पे आ जाते हैं। यहां पर कहता है कि टैक्स प्रोसीड ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग एज अ परसेंटेज ऑफ ग्रॉस टैक्स रिवेन्यू हैज सिग्निफिकेंटली डिक्लाइन, किसका टैक्स कलेक्शन जो होता है लगातार वो गिरते जा रहा है। यहां पर जब आप बात करेंगे सर्विस टैक्स की, सर्विस टैक्स देखिए ना बढ़ा है ना घटा है, ये लमसम कह सकते हैं कॉन्स्टेंट सा बना हुआ है। पर्सनल इनकम के बारे में बात करें तो इनकम टैक्स तो बहुत ही ज्यादा अच्छा है, तो इनकम टैक्स हमारा इनफैक्ट इस बार इंक्रीज करके मिला हुआ है। कॉर्पोरेशन टैक्स ये तो देखिए मैक्सिमम होता है, तो यहां पर तो कोई डाउट ही नहीं है, ये इंक्रीज ही कर रहा है। एक्साइज ड्यूटी ये हमारा जो होता है वो लॉस में चल रहा है, इनफैक्ट अब एक्साइज ड्यूटी नहीं, अब जीएसटी इसको बोलेंगे। तो यहां पर खैर उस समय का क्वेश्चन है जिस समय ये वैट हुआ करता था, तो ऑप्शन हो जाएगा इसका सी। क्वेश्चन नंबर 42 के बारे में अगर बात करें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग अथॉरिटीज मेक रिकमेंडेशन टू द गवर्नर ऑफ स्टेट एट प्रिंसिपल ऑफ डिटरमाइनिंग द टैक्स एंड ड्यूटी, कौन करता है, किसके लिए, पंचायत के लिए। तो पंचायत के लिए जो चीज की जाती है होती है स्टेट फाइनेंस कमीशन, तो ये नहीं, स्टेट फाइनेंस कमीशन बी हो जाएगा इसका ऑप्शन, क्लियर। हमारे पास दो तरीके की फाइनेंस कमीशन होती है, एक होती है फाइनेंस कमीशन जिसमें प्रेसिडेंट देख रहा होता है जो कुछ भी करना है, और दूसरी होती है स्टेट फाइनेंस कमीशन जिसको कि गवर्नर देख रहा होता है। इन दोनों के डिटेल के बारे में हम लोग बात करेंगे जब हम लोग पॉलिटी के बारे में बात करेंगे, वहां पर आपको ज्यादा क्लैरिटी आएगी। आगे क्वेश्चन देखें तो क्वेश्चन नंबर 43 यहां पर देखेंगे आप, तो यहां पर क्वेश्चन पूछा गया है कि इन इंडिया टैक्सेस ऑन ट्रांजेक्शन ऑफ स्टॉक मार्केट एंड फ्यूचर मार्केट किसके द्वारा लगता है। देखिए यहां पर जो टैक्स होती है उसको बोलते हैं एसटीटी, सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स। ये टैक्स लेवी की जाती है यूनियन के द्वारा और कलेक्ट भी यूनियन के द्वारा ही की जा रही होती है, तो ओनली एंड ओनली वन करेक्ट हो जाएगा। लेकिन हालांकि अब जीएसटी में इसको इंक्लूड कर दिया गया है, तो आप बोल सकते हैं कि ये अब सीजीएसटी और एसजीएसटी दोनों ही जगह पे आ गया है, तो अब इस तरीके के क्वेश्चन अब नहीं आएंगे। क्वेश्चन नंबर 44 पे अगर बात करें कि इंडिया हैज एक्सपीरियंस परसिस्टेंट एंड हाई फूड इन्फ्लेशन, फूड इन्फ्लेशन के बारे में बात हो रही है, तो फूड इन्फ्लेशन कब कब आ सकता है, हाईली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि अगेन इस पर ध्यान दिया गया इस बार हमारे गवर्नमेंट के द्वारा, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। थोड़ी सी यहां पर मैं आपको आइडिया दे दूं, जैसे हमारे यहां पर एक और स्कीम चल रही है जिसको बोला था प्राइस स्टेबिलाईजेशन फंड, ये प्राइस स्टेबिलाईजेशन फंड फिलहाल रखा गया टॉप के लिए। टॉप का मतलब हो गया टोमेटो, ओनियन एंड पोटैटो, आलू प्याज टमाटर, इनके प्राइस में फ्लक्चुएशन ना आए, इनके प्राइस में एक कह लीजिए कॉन्स्टेंस देखने को मिले, इस वजह से ये फंड स्टैब्लिश किया गया है। साथ में ये इसेंशियल आइटम के अंतर्गत भी आ जाते हैं। इसेंशियल आइटम का मतलब यह है कि इसकी स्टॉकिंग नहीं की जा सकती है, रोका नहीं जा सकता है इसको, मार्केट में इसको फ्लो करना ही पड़ेगा। हालांकि अभी आत्मनिर्भर भारत में आप लोगों ने देखा होगा कि टॉप टू टोटल के बारे में बात हो रही है, यानी अब जितने भी फ्रूट वेजिटेबल्स या जितनी भी चीजें हैं उन सबको अब प्राइस स्टेबिलाईजेशन फंड के अंदर मिला दिया जाएगा, जिसके कारण से जो भी फ्लक्चुएशन आ सकती थी वो फ्लक्चुएशन नहीं आएगी। लेकिन ये केवल और केवल 6 मंथ के लिए किया गया है, 6 मंथ के बाद चेक किया जाएगा क्या इस स्कीम से कुछ फायदा हो रहा है, अगर फायदा होगा तब इसको आगे कंटिन्यू किया जाएगा, अदरवाइज इसको यहीं पर ब्रेक कर दिया जाएगा। तो ये थी हमारी थोड़ी सी करंट अफेयर्स इससे रिलेटेड जो मुझे लगा कि आपको बता देना चाहिए। फिलहाल क्वेश्चन हमारा है फूड इन्फ्लेशन से रिलेटेड। फूड इन्फ्लेशन का मतलब होता है डिमांड एंड सप्लाई मिसमैच, एक तो ये तरीका होता है जो कि बहुत ही जेन्युइन चीज है, कोई दिक्कत नहीं, इकोनॉमिक्स का ये सिंपल प्रिंसिपल होता है। लेकिन दूसरी होती है जहां पर आप स्टॉकिंग कर लेते हैं, स्टॉकिंग करने के कारण मार्केट में जबरदस्ती आप सप्लाई कम करते हैं जिससे डिमांड बढ़ जा रही होती है, और ये तरीका अगेन फूड इन्फ्लेशन का हो जाता है लेकिन इलीगल होता है। तीसरी तरीका हो सकता है कि अगर मान लेते हैं किसी प्रकार से डिमांड घट जाए या फिर सप्लाई बढ़ जाए, तो दोनों तरीके से फूड इन्फ्लेशन की चीजों को हम लोग देख सकते हैं। ऑप्शन पे अगर आए तो यहां पर देखिए फर्स्ट स्टेटमेंट बोलता है कि ड्यू टू ग्रेजुअल स्विच ओवर टू द कल्टीवेशन ऑफ कमर्शियल क्रॉप द एरिया अंडर द कल्टीवेशन ऑफ फूड ग्रेन हैज स्टेडली डिक्रीज इन द लास्ट 5 ईयर, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए कमर्शियल क्रॉपिंग में जो आई भी है उसके कारण से हमारा जो कल्टीवेशन ऑफ फूड ग्रेन है वो प्रभावित नहीं हुआ है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। दूसरे स्टेटमेंट बात करें, एज ए कंसिक्वेंस ऑफ इंक्रीजिंग इनकम द कंजम्पशन पैटर्न ऑफ पीपल हैव अंडरगॉन ए सिग्निफिकेंट चेंज, बिल्कुल करेक्ट है। जैसे 6-5 ईयर प्लान के बाद से ये देखा गया कि जो भी एक पुअर फैमिली की भी जो प्लेट है, प्लेट का मतलब इकोनॉमिक सर्वे में इस बार का एक चैप्टर निकला हुआ है जिसका नाम है थालीनॉमिक्स,
इस थालीनॉमिक्स में यही बेसिकली बात किया गया है, थाली की इकोनॉमिक्स, मतलब जो फूड पैटर्न है उसकी क्या इकोनॉमिक्स है। जहां पर यह पाया गया कि अगर पैसा ज्यादा मिल रहा है यानी इनकम ज्यादा हो रही है तो उनके प्लेट में कुछ ऐसी चीजें भी इंक्लूड हो जा रही हैं जो नॉर्मली नहीं होती थी, जैसे दो सब्जी हो गई, दाल हो गई, ये सब चीजें। नॉर्मली केवल और केवल एक कह लीजिए सब्जी और साथ में रोटी, सिर्फ यही हुआ करती थी, लेकिन अब पल्सेस का जो कंट्रीब्यूशन है, प्रोटीन का जो कंट्रीब्यूशन है वो ज्यादा बढ़ गया है, तो ये हमें देखने को मिलता है। दूसरी होती है सप्लाई चेन हैज स्ट्रक्चरल कंस्ट्रेंट, स्ट्रक्चरल मतलब डिमांड एंड सप्लाई, तो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा ये दोनों स्टेटमेंट। ऑप्शन के बारे में बात करेंगे तो ऑप्शन हो जाएगा बी, 2 और 3 करेक्ट, क्योंकि 1 तो इनकरेक्ट है। नेक्स्ट बात करें क्वेश्चन नंबर 45 में, यहां बोलता है इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी विजिट्स बाय फॉरेन नेशनल्स विटनेस द 11th कॉमनवेल्थ गेम इन इंडिया अमाउंटेड टू। अब देखिए ये बाहर के जो लोग आते हैं वो होती है टूरिज्म, और टूरिज्म हमारे फॉरेन कैपिटल का एक सोर्स होता है, रिसीविंग ऑफ फॉरेन कैपिटल का, ये एक तरीके का एक्सपोर्ट माध्यम हो जाता है क्योंकि हम लोग टूरिज्म एक एक्सपोर्ट सेक्टर में ले रहे होते हैं। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 46 के बारे में देखिए, अगेन देखिए फिस्कल स्टिमुलस के बारे में है। फिस्कल स्टिमुलस ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है, ऑप्शन देखते हैं आंसर निकालते हैं। ऑप्शन ए बोलता है इट इज अ मैसिव इन्वेस्टमेंट, बिल्कुल करेक्ट है, गवर्नमेंट कर ही रही होती है। इन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, क्या केवल मैन्युफैक्चरिंग होती है क्या? नहीं। आगे अगर बढ़े टू इंश्योर द सप्लाई ऑफ गुड्स टू मीट द डिमांड सर्ज, तो बहुत ही लिमिटेड है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऑप्शन बी बात करें इट इज एन इंटेंसिव अफर्मेटिव एक्शन, बिल्कुल करेक्ट है यहां तक, ऑफ द गवर्नमेंट टू बूस्ट इकोनॉमिक एक्टिविटी, ये पूरी स्टेटमेंट करेक्ट है क्योंकि ये इकोनॉमिक एक्टिविटी को बढ़ाने के बारे में बात कर रहा है, तो अभी तक ऑप्शन बी करेक्ट है। आगे ऑप्शन एक बार अगर देखा जाए इट इज गवर्नमेंट्स इंटेंसिव एक्शन, करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन टू इंश्योर डिसबर्समेंट ऑफ लोन, क्या केवल और केवल लोन से रिलेटेड होती है क्या? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऑप्शन डी इट इज एन एक्सट्रीम अफर्मेटिव एक्शन, करेक्ट है यहां तक, बाय द गवर्नमेंट टू परस्यू इट्स पॉलिसी ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन। फाइनेंशियल इंक्लूजन तो करना ही करना है, लेकिन साथ में इनको सब्सिडीज भी देना होता है, इसलिए ये गलत हो जाएगा, तो इस वजह से केवल और केवल ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगी इस तरीके के क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 47 पे अगर हम लोग आ जाए, यहां पर देखिए कहता है कंसिडर द फॉलोइंग एक्शन विच ऑफ द गवर्नमेंट कैन टेक एक्शन, कब? करंट अकाउंट डेफिसिट के टाइम पे। आपको पता है करंट अकाउंट डेफिसिट का मतलब होता है जहां पर हमारी इंपोर्ट काफी ज्यादा हो जा रही होती है एज कंपेयर टू एक्सपोर्ट, और इस तरीके से हमारा जो निगेटिव ट्रेड बैलेंस निकल करके आ जा रहा होता है। इस निगेटिव ट्रेड बैलेंस को मैनेज कैसे करना है? किसी भी तरीके से आप अपना एक्सपोर्ट को बढ़ा लीजिए। एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए बेस्ट वे होता है कि आप डीवैल्यू कर लीजिए अपनी करेंसी को, डीवैल्यूएशन ऑफ करेंसी। एक्सपोर्ट इससे बढ़ जाता है तो काफी अच्छा करंट अकाउंट डेफिसिट पे एक पॉजिटिव इंपैक्ट देखने को मिल रहा होता है। इसके अलावा किसी भी तरीके से आप फॉरेन करेंसी को इंडिया में एंट्री दीजिए, कैसे? एफडीआई और एफआईआई के जरिए। तो ये कुछ तरीके होते हैं जिसके थ्रू हम अपना ये करंट अकाउंट डेफिसिट को मिनिमाइज कर रहे होते हैं। ऑप्शन देखें तो डीवैल्यूएशन ऑफ फॉर डोमेस्टिक करेंसी करेक्ट हो जाएगी, रिडक्शन इन एक्सपोर्ट सब्सिडी गलत है। अगर रिडक्शन इन एक्सपोर्ट सब्सिडी करेंगे तो सब्सिडी कम रहेगी, एक्सपोर्ट कम होगा, मार्केट खराब हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन के बारे में बात करें तो अडॉप्टिंग सूटेबल पॉलिसी विच अट्रैक्ट ग्रेटर एफडीआई एंड मोर फंड फ्रॉम एफआईआई, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगी। ऑप्शन यहां पर हो जाएगा 1 और 3, और इस तरीके से ऑप्शन डी आ जाएगी यहां पर। आगे आप बात करें 48 नंबर क्वेश्चन के बारे में अगर बात करेंगे तो यहां पर देखिए बोथ एफडीआई एंड एफआईआई आर रिलेटेड टू इन्वेस्टमेंट इन कंट्री विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिप्रेजेंट डिफरेंस बिटवीन टू। आपको पता है कि एफआईआई का मतलब होता है कि ये दिस समथिंग रिलेटेड विद कैपिटल इन्फ्यूजन, क्योंकि यहां पर डायरेक्टली कंपनी नहीं आती है, ये किसी ना किसी जैसे टाटा हो गया या कोई रिलायंस हो गया वहां पर ये अपना शेयर खरीद लेती है एक तरीके से, या फिर कह लीजिए किसी भी तरीके से इनको एक फाइनेंशियल हैंड प्रोवाइड कर देते हैं, मतलब कैपिटल इन्फ्यूजन कर दिया जा रहा होता है एफआईआई के द्वारा। लेकिन एफडीआई का मतलब होता है ये कंपनी खुद आती है और खुद प्रोडक्शन करती है, मैन्युफैक्चरिंग करती है, जो भी करना है वो कर रही होती है। केवल केवल कहां करेगी? स्पेसिफिक सेक्टर्स में करेगी जो भी गवर्नमेंट ने ओपन किया हुआ होगा, क्योंकि हर एक सेक्टर एफडीआई के लिए तो ओपन होते नहीं है, तो इस वजह से हमारी एफडीआई और एफआईआई में आपको डिफरेंस समझ में आ गया। एफआईआई हेल्प्स ब्रिंग बेटर मैनेजमेंट स्किल एंड टेक्नोलॉजी व्हाइल एफडीआई ब्रिंग्स ओनली कैपिटल, गलत लिखा हुआ है। ऑप्शन बी एफआईआई हेल्प्स इन इंक्रीजिंग कैपिटल अवेलेबिलिटी इन जनरल एंड एफडीआई ओनली टारगेट स्पेसिफिक सेक्टर, करेक्ट हो जाएगा, यही तो बात किया हम लोगों ने।
ऑप्शन सी के बारे में भी देख लेते हैं, एफडीआई फ्लोज ओनली इनटू सेकेंडरी मार्केट, गलत हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। एफआईआई कंसीडर टू बी मोर स्टेबल देन एफडीआई, गलत है। एफडीआई जो होती है वो शॉर्ट टर्म की होती है क्योंकि आप पैसा खींच सकते हैं, शेयर लिए हैं शेयर को सेल आउट कर सकते हैं, लेकिन एफडीआई जो होती है ये लॉन्ग टर्म के लिए होती है और ये काफी अच्छी होती है, सस्टेनेबल होती है। तो इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं हमारा पूरा का पूरा ये डिस्कशन। आगे क्वेश्चन बात करें 49 नंबर की, यहां पर देखिए एक योजना से रिलेटेड, और योजना हमारी ये किसी काम की नहीं है क्योंकि ये योजना अब पुरानी हो गई है, तो हम लोग इस क्वेश्चन को स्किप कर रहे हैं पूरी तरीके से क्योंकि अब ये रिलेवेंट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 50 के बारे में बात करें तो माइक्रो फाइनेंस इज द प्रोविजन ऑफ फाइनेंशियल सर्विस टू पीपल ऑफ लो इनकम ग्रुप। आपको पता है माइक्रो फाइनेंस क्या होती है और माइक्रो फाइनेंस क्या होती है, लेक्चर नंबर 1 पहला दिन हम लोग जो डिस्कस किए थे। दिस इंक्लूड द कस्टमर एंड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, यहां पर क्वेश्चन पूछा गया है कि माइक्रो फाइनेंस बोलेंगे किसको, क्रेडिट फैसिलिटी बिल्कुल, सेविंग यस, इंश्योरेंस यस, फंड ट्रांसफर बिल्कुल, जो भी काम इंडिविजुअल लेवल पे होता है उन सभी को हम लोग बोल देते हैं माइक्रो फाइनेंस, यानी कि यहां पर सारा का सारा ही करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगी इसकी डी। क्वेश्चन नंबर 51 के बारे में अगर बात करें तो यहां पर मनरेगा के बारे में बात किया गया है, काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस बार न्यूज में रही है, और न्यूज में रही है क्यों, क्योंकि आत्मनिर्भर भारत के कारण से। यहां पर बोला गया है आत्मनिर्भर भारत में कि अब मनरेगा में जितने भी श्रमिक आएंगे, जितने भी लेबर आएंगे, सबको काम देना है। इस मनरेगा के बारे में आप लोग को यह जान लेना है कि देखिए यहां पर जो इनरोलमेंट होती है जिसके थ्रू मजदूर आएंगे वो ऑन फील्ड नहीं होती है, ये होती है एक ई मस्टर रोल होती है, ऑनलाइन प्रक्रिया होती है, उसके जरिए इनका इनरोलमेंट होता है, इनरोलमेंट के बाद ही केवल और केवल इनको वर्क दिया जा सकता है, पैसा दिया जा सकता है। थोड़ा सा आपको और यहां पर जानकारी लेनी है कि ये लेबर फोर्स के जरिए डेटा निकलता है, मतलब कि सीपीआई एएल के जरिए इसका डेटा निकाला जाता है, इसका वेज निर्धारित किया जा रहा होता है, और ये जो सीपीआई एएल है ये 1986-87 बेस ईयर पे काम कर रही है, इस बेस ईयर के हिसाब से इनकी जो वेज निर्धारित होती है वो 186-187 रुपीज निर्धारित होती है। आत्मनिर्भर भारत में इसको बढ़ा करके 202 रुपए कर दिया गया है और ये कंटिन्यूएशन में रहेगा लगभग 2 महीने तक के लिए। इसके लिए जितना भी फंड दिया गया वो सब आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। एक फंडा और आपको ध्यान में रखना है कि मनरेगा के थ्रू फिलहाल बातें हो रही हैं कि इसको अब फील्ड से भी यानी फार्मिंग से भी जोड़ दिया जाए। फिलहाल अगर बात करें तो फिलहाल एससी एसटी का अगर कोई फॉर्म है, अगर कोई फील्ड है, तो वहां पर मनरेगा चल सकता है, मतलब मनरेगा के थ्रू उसमें काम कराया जा सकता है, फार्मिंग का काम कराया जा सकता है, लेकिन केवल और केवल एससी एसटी की फील्ड होनी चाहिए। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको ध्यान में रखना है मनरेगा से रिलेटेड। बाकी इस स्कीम के बारे में थोड़ा सा बेसिक्स आप लोग देख लीजिएगा क्या कुछ है, बेसिक से भी एक आध क्वेश्चन आ सकते हैं। ऑप्शन अगर बात करें यहां पर, एट एडल्ट मेंबर ऑफ ओनली ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब ऑफ हाउस होल्ड, गलत हो गया। एडल्ट मेंबर ऑफ बीपीएल, ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई भी अनस्किल्ड मेंबर हो सकता है यहां पर, कोई भी अनस्किल्ड। तीसरा है एडल्ट मेंबर ऑफ हाउस होल्ड ऑफ ऑल बैकवर्ड, नहीं, एडल्ट मेंबर ऑफ एनी हाउस होल्ड, बिल्कुल करेक्ट है, कोई भी बंदा हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 52 के बारे में बात करें, फाइनेंस कमीशन के लिए बात कर रहा है कि क्या सही है। फाइनेंस कमीशन को लेकर के अगेन यहां पर जो चीजें हैं वो हम लोग पॉलिटी में डिस्कस करेंगे, तो फिलहाल इसको यहीं पर स्किप करते हैं, इन सारे क्वेश्चन को हम लोग स्किप कर रहे हैं। सिमिलरली यहां पर भी वोट ऑन अकाउंट एंड इंटरिम बजट है, दिस इज ऑल्सो वी आर स्किपिंग दिस क्वेश्चन ऑल्सो, इसको हम लोग स्किप कर रहे हैं। तो फिलहाल आज के लिए डिस्कशन यहीं पर है, यहीं पर स्टॉप करते हैं। अगर आपको कोई डाउट होता है तो टेलीग्राम चैनल की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, ज्वाइन करके वहां पर अपने डाउट रेज कर सकते हैं। किसी भी प्रकार का डाउट होता है तो उसको रेज करिएगा। बाकी पास्ट ईयर क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आपको बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है, इससे आपको एक आइडिया भी लग जाएगा और साथ ही साथ मैं आपको प्रोबेबल क्वेश्चन भी बताते आ रहा हूं कि क्या क्या प्रोबेबल क्वेश्चन बन सकते हैं इससे। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में कुछ इसी तरीके के वीडियोस के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।